उत्तराखंड के रामनगर में 28 से 30 मार्च तक आयोजित होने जा रही G20 की बैठक को लेकर सरकार की ओर से तैयारियां तेज हो गई हैं। इसके लिए पुष्कर सिंह धामी ने भी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। रामनगर में होने जा रही G20 बैठक विज्ञान विषय पर आधारित रहेगी, जिसमें G20 वो आमंत्रित सदस्य देशों के राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के विज्ञानी सलाहकार विश्व स्तर के प्रासंगिक मुद्दों पर मंथन करेंगे। G20 सम्मेलन के दौरान बिजली की 24 घंटे आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं। वहीं आपको बताएं कि सम्मेलन में सुचारू बिजली आपूर्ति के लिए कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगाई है। उत्तराखंड में G20 की 3 बैठकें होंगी, जो कि रामनगर, ऋषिकेश और मुनि की रेती में होगी। रामनगर में 28 मार्च को रात्रि भोज और 29 मार्च को विज्ञान समूह की बैठक होगी। 30 मार्च को विदेशी मेहमान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का भ्रमण करने के बाद लौट जाएंगे। इसमें दुनिया के 50 से अधिक देशों के राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के विज्ञानी मौजूद रहेंगे। सोमवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर एयरपोर्ट पर अधिकारियों के साथ तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की।